अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इमरान खान चौक बनीवाला में मौजूद हूँ। इमरान खान चौक से यहाँ शहबाज़ गिल की गिरफ्तारी हुई। गाड़ी के शीशे तोड़ के उन्हें अगवा किया गया। उनके असिस्टेंट पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, ये जवान है जिसने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। इसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह गिरफ़्तार किया, किस तरह तशद्दुद किया, कौन लोग थे, कौन सी गाड़ियों पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं क्या वाकया यहाँ पेश आया। तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही ना, 10-11 बजे से इधर काफ़ी सिक्योरिटी सख्त थी, हालचाल लगी हुई थी, तो हमें पहली शक था कुछ ना कुछ होने वाला है। एकदम से अचानक पुलिस वाले वायरलेस पे बात कर रहे थे कि वो आ रहे अलर्ट हो जाओ। शहबाज़ गिल की गाड़ी जैसी ऊपर से नीचे उतरी, एक पेंट शर्ट में मलबूस आदमी था, वो गाड़ी के आगे आया। उसने गाड़ी बाकी गाड़ियों को पुलिस वाले को इशारा किया, इलियट फोर्स वाले को कि गाड़ी आगे लगाओ। एक गाड़ी उन्होंने आगे लगाई, फिर एक गाड़ी पीछे लगाई। उन्होंने शहबाज़ गिल को बाहर निकलने का खिड़की से इशारा किया शीशे से। शहबाज़ गिल जब अंदर बैठ के फ़ोन कॉल मिला रहे थे, बाहर नहीं आए, तो उसने इशारा किया कि शीशा तोड़ दो। फिर उन्होंने गन से शीशा तोड़ दिया और शहबाज़ गिल को गन से उन्होंने गन से ये शीशा तोड़ा और उसके आपके सामने है ये सब कुछ। ये गाड़ी का शीशा जो गन से, नौजवान कह रहा है इसने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा, गन से शीशा तोड़ा उसके जी, बाद जी, गन से शीशा तोड़ा है उन्होंने और उसके बाद फिर शहबाज़ गिल को बाद उसे घसीट के बाहर निकाला गुंडा एक टेररिस्ट की तरह। और राणा सनाउल्ला ने गुंडागर्दी की मिसाल कायम किया, उसको बाहर बेदर्दी से निकाल के सफ़ेद कलर की गाड़ी में शिफ्ट किया और इधर से कार थी सफ़ेद कार में शिफ्ट जी सफ़ेद कार में। और इधर लड़कों ने कुछ वीडियोज़ बनाई, हमने एक रेंजर दल आया, उन्हें सबसे आया मोबाइल लिया, वीडियो डिलीट करवाएं। दूसरे लड़के ने बनाई उससे भी डिलीट करवाई और हमें तड़ी लगाई, कहता है अगर आप लोगों ने वीडियोस अपलोड की ठीक है, आप लोगों को भी उठाएंगे और आपके मोबाइल भी जब्त करेंगे। देखें जी ये जुल्म है, इस नौजवान ने वीडियो बनाई, फिर रेंजर के ये कह रहे हैं कि रेंजर के अहलकार थे। जी बिल्कुल रेंजर के अहलकार थे, रेंजर्स के। ये बात काबिल नोट है कि वो आए, उन्होंने आके वीडियो डिलीट करवाई और ये कह रहे हैं कि धमकी लगाई कि अगर वीडियो अपलोड की तो आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे, आपके साथ भी ये हाल करेंगे। उनके असिस्टेंट पर एक तस्वीर देखिए, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, किस तरह तशद्दुद करते रहे थे उनके। वो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जबकि शहबाज़ गिल साहब गाड़ी में बैठ के फ़ोन कॉल्स मिला रहे थे, तो इस दौरान उनका असिस्टेंट भी आगे उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इस दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए और जब शहबाज़ गिल को बहुत बेदर्दी से घसीट के बाहर निकाला और बाहर निकाल के सफ़ेद कलर गाड़ी में शिफ्ट किया और निकल गए। कितने लोग थे जब ये वाकया पेश आया, कितनी हर तरफ सिक्योरिटी खड़ी थी। हम 2-4 लड़के साइड पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे और हर तरफ सिक्योरिटी, गाड़ी को चारों तरफ से उन्होंने घेरे में ले लिया था, तो बिल्कुल किसी किस्म की उन्होंने मूवमेंट होने ही नहीं दे रहे थे, बस उसको अरेस्ट करके निकल गए। और वीडियो उसके बाद जिन लड़कों ने वीडियोस बनाए उनसे मोबाइल लिए, कैमरे देखे किसी में रिकॉर्डिंग तो नहीं, उसके बाद वो चले गए। लेकिन जी ये जुल्म हो रहा है यहाँ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज़ गिल को बिल्कुल इमरान खान के घर के नीचे से गिरफ्तार किया गया जब वो इमरान खान के घर से बाहर आ रहे थे। ये गाड़ी के आप अभी शीशे देख सकते हैं। नौजवान का कहना है कि रेंजर्स अहलकार आए, उन्होंने आके मुझसे मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाई और धमकी भी लगाई कि अगर वीडियो पोस्ट की तो फिर हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, तुम्हें भी गिरफ्तार करेंगे। ये वाकया पेश आया यहाँ पर, आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए बनीवाला से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।